हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए थे हमारे, अब हम आते हैं ट्रू फॉल्स पे। ट्रू फॉल्स पे देखिए कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। देखिए इसमें पहले क्वेश्चन पे आते हैं, फॉर द पर्पज डेटा विजुलाइजेशन यूज नम पाई। ये देखिए ये जो है आपका फॉल्स है, नम पाई को विजुलाइजेशन के लिए यूज नहीं करते, ठीक है, ये फॉल्स है। ये बच्चा ट्रू लगा दिया, ये गलत हो गया, ये फॉल्स सही है आपका। 2.1 फॉल्स है। अब आ जाइए 2.2 पे। अभी देखिए हम केवल आंसर की, पेपर को बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहे, केवल आंसर की दे रहे हैं, ठीक है। पाइथन एम फाइल डॉट पी वाई इज यूज टू रन पाइथन फाइल इन कमांड सेल। देखिए ये आपका ट्रू है, ये 2.2 ट्रू है। अब 2.3 पे आइए, द स्कोप रूल इन पाइथन आज समराइज्ड एज ELGB। ये देखिए ELGB नहीं होता है, ये आपका फॉल्स है। ये बच्चा ट्रू लगा दिया, ये फॉल्स है। 2.3 जो है वो फॉल्स है, ठीक। अब आ जाइए 2.4 पे आ जाइए, स्ट्रिंग इन पाइथन आर म्यूटेबल। ये देखिए ये फॉल्स है आपका, ठीक, म्यूटेबल नहीं होता है। 2.5 पे आइए, द सिंबल यूज फॉर बोथ इनपुट एंड आउटपुट इज पैरेललोग्राम। देखिए ये ट्रू है आपका, यूज फॉर इनपुट एंड आउटपुट पैरेललोग्राम यूज करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है, पैरेललोग्राम उसी का सेम क्वेश्चन, मतलब जिसको ये पता रहेगा फ्लो चार्ट का, उसका दोनों क्वेश्चन मतलब इसी से हो गया। फ्लो चार्ट इंपॉर्टेंट भी है। अब आ जाइए 2.6 पे, देखिए ट्रू है। 2.5 ट्रू। 2.6 पे आइए, इफ लिस्ट 1 = (10, 20, 30) देन ऑपरेशन लिस्ट 1:2 रिटर्न। देखिए ये आपका फॉल्स है, ये टू लगा दिया बच्चा, ये फॉल्स सही है। मतलब 2.6 2.6 जो है ये फॉल्स है, ये वैल्यू नहीं देगा ये, ठीक है, दूसरी वैल्यू देगा ये। 2.7 पे आ जाइए, द सिंबल यूज फॉर कंडीशनल स्टेटमेंट। देखिए क्वेश्चन और कंडीशन के लिए आपका फ्लो चार्ट में डायमंड बॉक्स यूज करते हैं, डायमंड बॉक्स यूज करते हैं। ये चीज जो है आपका ट्रू है। 2.7 ट्रू हो गया। 2.8 पे आइए, यू कैन नॉट ऑब्टेन अ वैल्यू इन अ डिक्शनरी यूजिंग अ की फॉर अ सिंगल एलिमेंट। देखिए ये जो है आपका यहाँ पे कैन नॉट कर दिया है, इसलिए ये फॉल्स है। अब आ जाइए, इट इज मैंडेटरी टू हैव। 2.9 पे, 2.8 फॉल्स है। 2.9 पे आ जाइए, इट इज मैंडेटरी टू हैव मेन फंक्शन इन पाइथन। देखिए ये मेन फंक्शन जो है आपका, ये आपका सी का है, पाइथन में नहीं लिखते हैं इसको, पाइथन के प्रोग्राम इसको नहीं लिखते हैं, ठीक है। 2.10 पे ये, पाइथन अलाउज यू टू असाइन अ सिंगल वैल्यू टू मल्टीप्लाइज वेरिएबल्स साइमल्टेनियसली। देखिए ये ट्रू है, कई सारी वैल्यूज को ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, तो ये ट्रू है। ये बच्चा फॉल्स लगा दिया, ऐसा गलत है, ये ट्रू है आपका, ठीक। तो 2.1 फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, 2.1 जो है फॉल्स है, 2.2 जो है ट्रू है, 2.3 जो है वो फॉल्स है, 2.4 जो है वो फॉल्स है, 2.5 ये आपका ट्रू है, 2.6 ये फॉल्स है, 2.7 ट्रू है, 2.8 फॉल्स है, 2.9 फॉल्स है, 2.10 ये आपका ट्रू। अब ये देखिए ट्रू फॉल्स हो गया। अब आ जाते हैं हम आपका मैचिंग पे, मैचिंग पे आ जाइए। देखिए हिंदी वर्जन है, उसमें देखिए जिस स्टूडेंट का मैंने लिया हुआ था उसमें कई सारा उसमें घाचा पीची कर दिया था, उसमें बहुत ज्यादा झिड़ी पका दिया था, इसलिए उसका हिंदी वर्जन साथ है, इसलिए मैंने हिंदी वर्जन का ही फोटो खींचा है, ठीक है। पहला क्वेश्चन का देखिए, इंग्लिश वर्जन मैं पढ़ रहा हूँ और हिंदी वर्जन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। देखिए क्या है, डेटा स्ट्रक्चर यूज इन रिकर्सन। देखिए रिकर्सन में प्रयोग होने वाला डेटा स्ट्रक्चर, देखिए इसका बी सही है, स्टैक इसका बी सही है, मतलब 3.1 का बी ऑप्शन सही है, बी होगा, ये मैचिंग है, बी होगा। फाइल में लिखी जाने वाली पंक्तियों की एक सूची लेने वाला फंक्शन, इसका देखिए मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, फंक्शन टेक्स अ लिस्ट ऑफ लाइंस टू बी रिटर्न टू फाइल। देखिए ये इसका जो है ई ऑप्शन, मतलब ई लगेगा, राइट लाइन्स, ठीक है, राइट लाइन्स और ब्रैकेट, ये आपका सही है, पॉइंट ई मतलब सॉरी, ये ऑप्शन ई आपका सही है।
फाइल में वर्तमान स्थिति उत्पन्न करने वाला फंक्शन, देखिए इसको हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश में, द फंक्शन दैट यील्ड्स करंट पोजीशन इन फाइल, देखिए ये ऑप्शन सी है, देखिए ये जो है आपका एकदम सीधे मैचिंग हो रहा है, टेल ब्रैकेट जो है टेल, ठीक है ये सही है आपका। 3.4 में आ जाइए, दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला ऑपरेटर, ये आपका पॉज प्लस है, प्लस का है, टू स्ट्रिंग को जोड़ने वाला, जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला ऑपरेटर, ठीक है। ऑपरेटर यूज टू कॉनकेटेनिंग टू स्ट्रिंग्स है, थोड़ा सा ट्रांसलेट करने में दिक्कत हो रही है, दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला ऑपरेटर आई, ठीक, इसका देखिए आई ऑप्शन सही है यानी प्लस। त्रुटि जांच के लिए उपयोग किए जाने वाला स्टेटमेंट, इसको इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, स्टेटमेंट यूज फॉर एरर चेकिंग, एरर चेकिंग के लिए क्या यूज करते हैं, एरर चेकिंग के लिए जे, देखिए जे ऑप्शन सही है, जे क्या है, असर्ट, असर्ट सही है इसका, ठीक। अब 3.6 पे आ जाइए, किस संख्या की घात ज्ञात, किसी संख्या की घात ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला फंक्शन, देखिए ये है आपका, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आप तो पावर वर्ड यूज किया हुआ है, POW, यहाँ पे देखिए पावर की स्पेलिंग होती है POWER होता है, तो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, कॉमन सेंस लगाएंगे, तो ये G ऑप्शन इसका सही है, जिसने किया होगा सही, ठीक है। स्टेलनम का जो है आपका ये 3.7 है, इसका ए ऑप्शन सही है, देखिए ए ऑप्शन मैं पढ़ रहा हूँ, स्टेलनम का जो है, मेथड रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल कैरेक्टर इन स्ट्रिंग आर अल्फान्यूमेरिक, आइदर अल्फा, ये आइदर अल्फाबेट्स और नंबर्स, इफ नॉट इन टर्न्स फॉल्स, ठीक है, यानी इसका स्टेलनम का 3.7 का ए सही होगा, ए इसका मैच है। अपरिवर्तनीय ऑब्जेक्ट, देखिए ये आया था अभी एक पीछे वाले क्वेश्चन में आया था, इनम्यूटेबल, इनम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, इनम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, ठीक है, टूपल है, टूपल जो है आपका, ये आपका इनम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, ठीक, इसका एफ ऑप्शन, मतलब एफ इसका सही रहेगा। गेट सी डब्ल्यू डी, देखिए यहाँ पे भी एक कॉमन सेंस की बात होगी, गेट सब्ल्यू डी जो है, गेट सी डब्ल्यू डी, ये गेट सी डब्ल्यू डी आपका हो जाएगा, यहाँ देखिए इस ऑप्शन में लिखा हुआ है, थोड़ा सा दिमाग लगाए होते तो ये मिल जाता आपको, इसका ऑप्शन यल सही है, मेथड वर्तमान कार्यशील निर्देशिका, करंट वर्किंग डायरेक्टरी को प्रदर्शित करता है, ठीक है, गेट सी डब्ल्यू डी, इसका एल ऑप्शन सही है। विभाजन के बाद शेषफल की गणना करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला ऑपरेटर, ये देखिए विभाजन के बाद शेषफल की गणना करने वाला ऑपरेटर जो है ये आपका एम सही है, ठीक। अब ये हो गया, मैचिंग हो गया आपका, अब आ जाते हैं, देखिए मैचिंग हो गया तो अब आ जाते हैं हम फिल इन द ब्लैंक्स पे, फिल इन द ब्लैंक्स पे आ जाते हैं, ठीक। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या क्या है, अब उसमें बताइएगा कि किसका कितना सही हुआ। फिल इन द ब्लैंक्स में हम आते हैं, देखिए इसका भी इंग्लिश वर्जन थोड़ा सा रफ था उस बच्चे का, इसलिए मैंने हिंदी वर्जन लिया हुआ है उसका। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि ए को ए इक्वल टू मी ही दे, देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन था, सॉरी उसमें ऑप्शनल में था, ABCD को जो प्रिंट करा रहा था, तो ABCD एक साथ प्रिंट होके आ जा रहा था, तो सेम वो क्वेश्चन वैसा ही क्वेश्चन है, जिसने थोड़ा सा दिमाग लगाएगा सही करेगा। इसका देखिए ऑप्शन ए सही है, मी ही दे एक साथ बिना स्पेस के, देखिए कंफ्यूज करने के लिए एम ऑप्शन में देखिए कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है, तो इसका मी ही दे एक साथ बिना स्पेस के होगा, मतलब ए सही है, 4.A का ए सही है, तो 4.1 का ए सही है। 4.2 पे आइए, प्रिंट HIJK.partition AB का आउटपुट क्या होगा, डी सही है ऑप्शन इसका, ठीक है, HIJK ये आपका डी सही है। 4.3 पे आइए, कोड प्रिंट ABBZXYZXZXABB काउंट ABB -10 -1 आउटपुट क्या होगा इसका, देखिए आउटपुट 0 होगा इसका, ये बी ऑप्शन सही है, ठीक है। डिक्लेरेशन 4.4 पे आते हैं, इसका बी ऑप्शन, 4.3 का बी सही है।
डिक्लेरेशन में एक्स सर्किल, ठीक, एक्स में सर्किल ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है, देखिए ये डिक्लेरेशन में एक्स सर्किल, एक्स इक्वल टू सर्किल, तो ये जो है आपका के ऑप्शन सही है, के ऑप्शन होगा रेफरेंस, के ऑप्शन इसका सही है। पाइथन में देखिए ये पाइथन में का उपयोग डेटा विश्लेषण और सारणीबद्ध डेटा में हेर फेर किया जा सकता है, ये पूरा क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ। इज यूज्ड फॉर डेटा एनालिसिस एंड मैनिपुलेशन इन टेबुलर डेटा इन पाइथन, तो ये आपका एल सही होगा, एल सही होगा इसका, यानी पांडास, ये पांडास जो है इसको सारणीबद्ध करने के लिए और डेटा विश्लेषण के लिए यूज किया जाता है, पांडास का। अभी देखिए 4.6 में क्या है, 4.6 में एच सही है, ठीक है ना, ड्रॉपना, ये जो है आपका ड्रॉपना, ये सही है, एच मेथड का नया डेटा फ्रेम रिटर्न करता है, ये एच सही, 4.6 का एच सही है। 4.7 का सी, सी ऑप्शन सही है, देख लीजिए मैथ पाई, थोड़ा सा दिमाग लगाए होते कि इसका इंग्लिश वर्जन में पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश वर्जन की पढ़ रहा हूँ मैं, इसको लिखा हुआ है ये डॉट डॉट डॉट, मतलब फिल इन द ब्लैंक से, तो विल रिटर्न द मैथमेटिकल नंबर पी आई फ्रॉम द कॉन्स्टेंट मॉड्यूल, इसका ऑप्शन सी सही है, ठीक। अब 4.8 पे आइए, किस फंक्शन में न्यूनतम मान या समीकरण के मूल को खोजने के लिए एस सी आई पाई वाई लाइब्रेरी में परिभाषित प्रक्रियाओं का सेट, देखिए इसका एफ सही, एफ नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑप्टिमाइजर, ये जो ऑप्टिमाइजर होता है वो ऑप्टिमाइजर जो है प्रोड्यूस डिफाइन टू एस सी आई पाई लाइब्रेरी टू फाइंड मिनिमम वैल्यू अ फंक्शन और द रूट ऑफ एन इक्वेशन, इक्वेशन का रूट निकालता है, ठीक। 4.9 पे आइए, इसका आई आई सही है, यानी अरे डॉट डी टाइप ब्रैकेट, ठीक है, ये एक अरे को, मतलब यहाँ देखिए अरे का है, अरे और कहीं नहीं यूज किया है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप ये सही कर देंगे, ठीक। सीवी सीएसवी फाइल्स को डेटा फ्रेम में लोड करने के लिए, यहाँ भी थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, देखिए सीवीएस का केवल एक है, एक ऑप्शन है, ऑप्शन जी, रीड अंडरस्कोर सीएसवी ब्रैकेट, ठीक ठीक है, ये 4.10 में आपका जी ऑप्शन सही है, जी ऑप्शन सही है, ठीक है, इसमें आपका ये ऑप्शन सही होगा। तो देखिए 40 क्वेश्चन मैंने समझा दिया है, 10 क्वेश्चन की सीरीज मैंने पहले भेजी थी, उसके बाद ये मैंने 30 क्वेश्चन और बताए हैं, देखिए इसमें जिसका 20 नंबर से ऊपर रहेगा वही क्वालिफाई करेगा, उसकी दूसरी कॉपी वही चेक होगी, ठीक है, तो इसलिए इसको आप लोग अच्छे से देखिए, मिलाइए और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि 40 में से कितना मार्क्स आया आपका, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और लाइक करिएगा, मन हो तो लाइक करिएगा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है सर, ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।